कलाकारी थी हमारे बाबूजी बल्लो गाजीपुर, बल्लो गाजीपुर। इधर आ जाओ बहन जी, यहां बैठी हुई है माता बहन, आपसे निवेदन है, यहां कही आप जो मेरी माता जी वहां बैठ गई, आपसे निवेदन है आप यहां करके बैठिए, बहुत अच्छी सुरक्षित जगह है बिल्कुल। अपने एक दो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि उधर से इधर भेज दे रही है, यहां बिल्कुल सुरक्षित जगह है और बढ़िया प्रोग्राम आपको यहां देखने को मिलेगा। वहां तो कोई आवेगा कोई जावेगा सौ तरीके से परेशान करेगा। हमारे बल्लो नेताजी गाजीपुर 200 रुपए का इनाम दिया है राजबाला के इन ठुमकों पर, तालियां तो बजा दो जोरदार। धन्यवाद मैडम दीपा चौधरी, तेने जब हमारा बल्लो राजी कर दियो तो फिर कसिर रहेगी है। दूसरे नंबर पर आपके इस क्षेत्र में एकाध प्रोग्राम दिखाया भी होगा, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हरियाणा की बड़ी फेमस कलाकार हुई सजनों, हो सकता है इस क्षेत्र में नहीं आई हो पर नेट के द्वारा आपने देखा होगा, मैडम बीनू चौधरी बड़ी जबरदस्त कलाकार थी। और जब अपनी सी पे आ जाए तो ये बाजे ढोलकी वाले भी फेल हो जाते थे, इतनी अच्छी कलाकार थी। अगर तुमने ना देखी हो तो आज उसके ठुमके दिखवा रहा हूं, एक बार ताली बजा के बताइए जोरदार। आइए मैडम दीपा चौधरी बीनू चौधरी बनके। जगदीश भाई ये तो हुए बीनू चौधरी, इधर आई नहीं थी, वो प्योर हरियाणवी कलाकार थी, हरियाणवी भाषा का यूज करती थी। लेकिन एक लेडी जरूर आई होगी, आपने देखी होगी ललिता शर्मा, देखी थी नहीं देखी थी, देखी थी। आइए ललिता शर्मा के जैसे ठुमके आपने हमने जिंदगी में हजारों महिलाएं नाचती हुई देखी होंगी पर ऐसे नाचती हुई एक भी नहीं देखी होगी जैसे ललिता शर्मा नाचा करे थी। कैसे ठुमके थे आइए दिखवाते हैं। ताली तो बजा दिया करो अगर बात अच्छी लगे तो, कह और बनाऊं। लेकिन ये जैसी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं नाचती हैं ना, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जैसे नाचती हैं धीरे धीरे करके, नेत्रपाल भाई वीरवती कभी नाचती होगी अपने जलवे दिखाती होगी धीरे धीरे करके, तो एक बार जो हमारे गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं उनके जैसा भी डांस मैडम दीपा चौधरी दिखाएंगे। एक बार तालियां बजा के स्वागत करिएगा। गजब कर गई है ब्रज की राधा, गजब कर गई है ब्रज की राधा, ओ जहिले
मेरे भारतवासी।